गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम हियर। योर चैप्टर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा हो चुका था, इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -1। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो वैसे जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पे एस क्या है सम को डिनोट करता है जीरोज के, पी क्या है प्रोडक्ट को। कुछ बुक्स में फॉर्मूला इस तरह से दिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपके पास 1/3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस एक्स, सॉरी 1/3 एक्स माइनस 1। यहां तक छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एलसीएम भी लोगे तो 3x² माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3x² माइनस एक्स माइनस 1। तो ये जो के है हमारे पास जो यहाँ पे होता है वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे हम उसको, अगर के को हम यहाँ पे 3 अज्यूम कर लें बिकॉज इस फॉर्म में हो गया ना, अगर 1/3 को हम k/3 ले भी लें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो 3/3 1 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ छोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ तक। अगर आपने प्रॉपर करना है तो k/3 लिख के इसको आप खत्म भी कर सकते हो, लास्ट में आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी 3x² माइनस एक्स माइनस 1, गॉट इट। इसी तरह नेक्स्ट कम है, सम ऑफ जीरोज आपको √3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास क्या है 1/√3, वही सेम के लिख सकते हो बाहर, नहीं लिखना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √3x² माइनस यहाँ पे 1 है तो 3x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये 1/√3 इस तरह से आप लिख के k/√3 भी लिख सकते हो, नहीं लिखना मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो यहाँ तक छोड़ दो, लास्ट में आप लिख दो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल भी दिस 1, गॉट इट। अब है हम 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग बुक का है आपके पास पर पैटर्न सेम ही है। डिवाइड द पॉलीनोमियल fx बाय gx, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आपने लॉन्ग डिवीजन करनी है। ये आपके पास पॉलीनोमियल है, ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास में भी की होगी, चलो इस क्लास में भी आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट से, तो आपके पास आ जाएगा 3x². ये क्यों ट्रिक है, ये आंसर जानने के लिए, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमने 6x³ कैसे बनाएंगे, किससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो 3x² से मल्टीप्लाई कर लो 6x³ ही आएगा। 3x² को इससे भी करोगे फिर मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा -9x². अब साइन चेंज करते हैं नीचे वाले को देख के, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया, हर बार आपका एक जना कट होगा, -11 प्लस 9 -2x² प्लस 7x प्लस 5, इस साइन को नहीं देखना आपने। अब फिर से आंसर जानना है तो -2x² को 2x से डिवाइड कर दो, कितना आएगा -6, ठीक है। अब -x को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2x² ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x, साइन चेंज कर दो, कट गया। अब इसको भूल जाओ, 7-3 4x प्लस 5, ठीक है। अब उसके बाद 4x प्लस 5 आ गया, 4x को 2x से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा +2, 4x 2 3 जा 6, फिर से साइन चेंज, कट गया 6 प्लस 5 11, तो आपके पास 11 क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो आपको ये पता ही है जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर की रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी होती है, तो ये आपके पास 11 है, कांस्टेंट हो गया, ये आपके पास क्या 1 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके डिवीजन रुक जाएगी। तो इस तरह से आप लिख दोगे कोशेंट हमारे पास आ गया 2x-3 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 11, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन सेकेंड, एक सेकेंड, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको एक ही पार्ट करवाया है, आप बाकी क्वेरी कर सकते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलीनोमियल, आपको क्या है एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है t²-3, ठीक है। अब उसने कहा है फर्स्ट पॉलीनोमियल फैक्टर है कि नहीं सेकंड पॉलीनोमियल का, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, लास्ट ईयर आपने किया होगा, तो वो क्या होता है फैक्टर होता है। अब वही है यहाँ पे 2t⁴ प्लस ct³ माइनस 2t² माइनस 90-12 को t²-3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वही है 2t⁴ को अगर आप t² से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t², तो आंसर आ गया 2t². अब इसको इससे मल्टीप्लाई 2t⁴, 2t² को इससे करेंगे -6t² आएगा, तो स्क्वायर वाले के नीचे लगाओगे, क्यूब वाले के नीचे नहीं लगाओगे, t²-3 था ना यहाँ पे, तो 2t² से करोगे 2t² आ जाएगा, 2t² को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6t² आएगा, साइन चेंज कर दो, कट गया। पहले अब इसको कॉपी करोगे, अगर आप यहाँ लिखना भी चाहते हो अपनी मर्जी से तो लिख सकते हो 0t³, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
थ्री टी क्यूब ये कट गया, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, जितने बच गए सारे कॉपी कर लो। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 3t क्यूब को टी स्क्वायर से, तो हमारे पास आ गया 3t। डिवाइड करेंगे 3t आएगा ना यहाँ पे, तो 3t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 3t क्यूब। अब 3t को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 90, तो यहाँ पे 0 टी स्क्वायर खुद लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कन्वीनियंस के लिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है लगाना ही है। तो 4t स्क्वायर कट गया माइनस 12। अब 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना आया 4, तो यहाँ आ गया प्लस 4। अब 4 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर, 4 को 3 से 12, साइन चेंज कर दो, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो लास्ट में लिख दो यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। बस इसका भी मैंने आपको एक ही पार्ट करवाया है, तो अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है फैक्टर थ्योरम से, तो आप क्या बोलोगे, फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड वन। रिमाइंडर थ्योरम में तो यही बोलती थी आपके पास कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, सॉरी रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा, फैक्टर थ्योरम ये बोलती थी कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर बन जाएगा। एक क्वेश्चन अगला मैंने आपको करवाया, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, वेदर टू जीरोज आपको गिवन है रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5 बाय 3। टू जीरोज गिवन है तो पहले आप सम ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा आपको बताया था मैंने पहले ग्रीक लैंग्वेज में कि ग्रीक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, 0 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, कितना आया माइनस 5 बाय 3। अब पॉलिनोमियल निकाल लो, वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, प्लस का माइनस हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको डिवाइड करने के लिए, इजी बनाने के लिए एलसीएम ले लिया, तो अब हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5, वही k को हम 3 मान लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गया, हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल था हमारा 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करना है हमने 3x स्क्वायर माइनस 5 से, वही सेम फर्स्ट को फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर आएगा 3x 4 माइनस 5x स्क्वायर, साइन चेंज ये कट गया, 6x क्यूब प्लस का 5 माइनस का 2 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक सेकेंड में स्टेटमेंट चेक कर लूँ, मुझे डाउट लग रहा है। सही है। अब 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना आएगा 2x, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x, वही यहाँ पे आप 0 लगा सकते थे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज कट गया 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब इसको इसे डिवाइड करोगे ऑब्वियसली 1 आएगा प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 खुद ही आ जाएगा, कट गया 0 आ गया रिमाइंडर। अब जो आपके पास पॉलिनोमियल आया है डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बाकी 20 जो आपने निकालने हैं आप इसके फैक्टर बना लो, वही प्लस माइनस करके 2i मल्टीप्लाई करके 1i, माइनस का तो यहाँ स्पेस ही नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल प्लस में है सारा, एक्स कॉमन यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 1 आ गया, रिक्वायर्ड जीरोस के आगे हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1, 2 हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन थी तो ये चारों जीरोस आ गए, वैसे भी इसकी डिग्री 4 थी तो आपके पास 4 इसके जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 वाई पॉलिनोमियल gx, वेयर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दिस वन फाइंड gx। आपके पास ये रूल था लास्ट ईयर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंट, ठीक है। अब डिवाइजर क्या है, डिविडेंट तो हमारा ये रहा, इसको हमने डिवाइड किया है जी एक्स से, यानी डिवाइजर ये हो गया, क्वोशेंट आ गया एक्स माइनस टू और रिमाइंडर हमें गिवन है माइनस टू एक्स प्लस 4, पुट कर दिया डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, इसको इधर ले आए, इधर रह गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस एक्स हो गया 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इंटू जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, सॉरी इंटू एक्स माइनस 2,
तो जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो अब हम वही लॉन्ग डिवीजन से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एक्स। वही पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हमारे पास रह गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं है साइन चेंज एक्स माइनस टू। मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, एक्स माइनस टू है सेम ही है तो वन से एक्स माइनस टू माइनस प्लस कट गया। तो यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। गॉट इट। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का करवा दिया, वो अलग बुक से है पर पैटर्न सेम है, एक सेकंड पार्ट का करवा दिया, बाकी दो सम अलग से थे वो करवा दिया, लास्ट सम आप खुद ट्राई करेंगे जैसे उसमें डिग्रीज की बात की गई है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आपका सेकंड चैप्टर ये खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने एक पार्ट डिस्कस कर लिए। थैंक यू।